तो गाइस जियो एप 220 का अंदर जो प्रॉब्लम है ये है अपडेट फेल्ड। जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, आप सेटिंग पे जाइए सबसे पहले। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सेटिंग पे चेक करना है। सेटिंग पे आप जाइए, सेटिंग पे ओपन करने के बाद आपको ये क्या करना है, एकदम डिवाइस पे आपको चले जाना है। ठीक है, डिवाइस पे चले जाना है और इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब अभी जो है सिम नहीं है। तो अगर आप सिम देके इसको अपडेट करेंगे तो ये जो आपको फेल्ड दिखाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं इसको सिम को लगाना सबसे पहले लगा लेता हूँ, इसके बाद इसको करता हूँ ऑन। और इसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फिर से आ गया हो, देख सकते हो आप। तो इसको जब भी आप डिवाइस पे इसको देखेंगे और इसके बाद इसको करेंगे अपडेट, तो सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब इसको करेंगे तो आपको ये प्रोसेस दिखाई देंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो प्रोसेस है 100% अगर आपके पास हो जाता है तो आपका जो काम हो जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर फेल्ड का इशू आए तो सबसे पहले फ़ोन पे जाए। फ़ोन पे जाके बाद अगर हार्ड रीसेट करने से आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, हार्ड रीसेट होने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड रीसेट करने से, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़ोन पे जाके ही आपको ये जो प्रोसेसिंग है आपको 100% करना है। 100% करने से आपका जो सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड फेल का जो इशू है, वो इशू आपका जो 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।